मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 40 साल की नाजरीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता जहीर सलमानी की नाजरीन पत्नी थी और हमलावर घर में घुसकर 3 गोली नाजरीन पर मारी है और फरार हो गया। घायल हालात में नाजरीन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के हापुड़ का है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो अब खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक नाजरीन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सौतेले बेटे ने ही की है। कुछ प्रॉपर्टी का विवाद था। वही पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है और इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर सलमानी है। क्या घटना हुई आपके यहाँ? भैया मैं तो घर से सुबह अपना राजी खुशी निकल गया था, 2-3 काम है, मुझे एक बहनामा कराना है मेरठ का, फिर मैं वहाँ तहसील रहा हूँ सुबह से, फिर तहसील से वहाँ चला गया हूँ जरोठी और बहनामा कराना हूँ। जब मैं बहनामा करा रहा हूँ तो मुझे घर से पता आया कि घरवाली गिर गई है, है उसके सिर में चोट लग गई है, मेरे यहाँ जो लेबर के काम कर रहे हैं वो लेके गए और यहाँ के पता चला जी उसके गोली मार के गया कोई। कितनी गोलियाँ मारी गई? अभी तो मुझे दिखी भी ना, मैं तो यहाँ आया हूँ, मुझे क्या पता मर गई, कंडीशन कहाँ ये बता रहे मर गई। अब डॉक्टर साहब आ मैं दिखा मैं जब पता लगे तो क्या पता पड़वा को बाइक पर आए थे बदमाश क्या? भैया मुझे अभी कुछ पता नहीं, बाहर फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, जो भी आया होगा पता लगेगी। देखिए थाना हापुड़ नगर के सामिया गार्डन में पुलिस को पहले देवनंदिनी अस्पताल से एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल की सूचना के आधार पे पुलिस यहाँ मौके पे आई है। ये घर है जहीर सलमानी जी का और जो मृतिका है इनका नाम नाजरीन है, उम्र लगभग 38 साल के आसपास है। ये जहीर सलमानी जी की सेकेंड वाइफ है जो यहाँ सामिया गार्डन में रहती है पूरे परिवार के साथ। पुलिस मौके पे आई है, अभी घर वालों से और सबसे बातचीत की जा रही है। प्रथम दृष्टया किसी भी बाहरी व्यक्ति का इस घर में आना नहीं पाया जा रहा है। इसमें घर के कुछ विषय हैं, उन विषयों पे सभी घर वालों से पूछताछ की जा रही है। कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हमें घर के अंदर से मिले हैं जो हमारी फोरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट कर लिए गए हैं और जल्द ही इस घटना में जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर इसका अनावरण किया जाएगा। तो क्या लग रहा है कितनी गोली मारी गई? अभी जो प्रथम दृष्टया सूचना अस्पताल से मिली है लगभग 2-3 गोलियों की बात सामने आई है और घर के अंदर से भी कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं, कुछ राउंड्स मिले हैं, कुछ और चीजें मिली हैं जिनको हमारी फोरेंसिक टीम ने कलेक्ट किया है और ये घर के अंदर जो उनका कमरा था उसी के अंदर ये सारे एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। बताया जा रहा है कि सर के छत पे से मतलब जीने पे से गिर के जो है चोट लगी है? बिल्कुल इस तरीके की बात नहीं है, ये भ्रामक सूचना है। इसमें पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट में पुष्टि होगी और अभी जो अस्पताल ने प्रथम दृष्टया बताया उन्होंने ये बताया कि बुलेट इंजरी इसमें मौजूद है। सर पुलिस ने मौके से भी असला या खोखा बरामद किया है? अभी कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस बरामद किए हैं और घर वालों में इनके सभी जो बच्चे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के उपरांत ही क्या घटना हुई है वो क्लियर हो पाएगा और आपके सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे।